अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम कैनेडा टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। कराची में बारिश से तबाहकारियों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान 3 सितंबर को कराची का खुसूसी दौरा करेंगे। पहले ही तंग है आवाम, वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान, आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब को बेहतर से बेहतरीन बनाने के सफर का आगाज कर दिया है, बुज़दार हुकूमत का 2 साल कारकर्दगी आवाम के सामने पेश करने का ऐलान। कनाडा में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने पहले वज़ीर आज़म का मुजस्मा भी तोड़ दिया। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाजा एक बार फिर गर्म हो गया। मुसाफिर और पायलट दोनों महफूज हैं, टोरंटो में छोटे तैयारे की हाईवे पर हंगामी लैंडिंग। लाहौर हाई कोर्ट ने वालदेन की जानिब से स्कूल खोलने के लिए दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत के सामने जवाब तलब कर लिया। घर आई नन्नी परी को बेच डाला, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए सफाक बाप ने 3 माह की बेटी को बेच दिया। लड़ाका तैयारे के सामने खड़ी है, फिरोज खान ने कंगना रनावत को चाय याद दिला दी। और दूसरे टी20 में शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम सीरीज बराबर करने के लिए आज इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टी20 मैच में मद्दे मुकाबिल होगी। अब तक के लिए इतना ही, मजीद खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम कैनेडा टीवी।